बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर चिल्ड्रन, स्टे होम स्टे सेफ। क्लास 8 स्टूडेंट्स 20th में एंड द डे इज वेडनेसडे। योर फर्स्ट आईडी इज ऑफ इंग्लिश चैप्टर नंबर 5 शॉर्ट क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ओपन योर नोट्स। क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच इज द टॉलेस्ट एनिमल, सबसे लंबा जानवर कौन सा है? जिराफ इज द टॉलेस्ट एनिमल, जराफा सबसे लंबा जानवर है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज डिफरेंसेस बिटवीन मॉडर्न हाउसेस एंड अर्ली, के जदीद जमाने के और पहले के वक्तों के घरों में क्या फर्क है? अर्ली हाउसेस वर मेड ऑफ मड और स्टोन्स, जो पहले के वक्तों में घर थे वो मट्टी के और पत्थरों के बने होते थे। वेयर हैज मॉडर्न हाउसेज, जबकि जदीद जमाने के घर आर मेड ऑफ कंक्रीट एंड वुड, कि ये लकड़ी के बने हुए हैं और सीमेंट वगैरह के बने हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर डिफरेंट वेज ऑफ ट्रैवलिंग, सफर करने के कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से जरा हैं? डिफरेंट वेज ऑफ ट्रैवलिंग आर बाय सी, समंदर के जरिए, बाय एयर हवाई तरीके से, और बाय लैंड जमीन के जरिए। नेक्स्ट, व्हाट वाज यूज्ड एज मनी इन द ओल्डन टाइम्स, पुराने वक्तों में पैसा के तौर पर क्या चीज़ें इस्तेमाल होती थी, पैसा किस चीज़ों से बना होता था? इन ओल्डन टाइम्स कॉइन्स मेड ऑफ लेदर, के पुराने वक्तों में सिक्के लेदर चमड़े के होते थे, शेल्स सीपियों के, एंड अदर थिंग्स वर यूज्ड एज मनी, और इसके अलावा बाकी अशिया पैसे के तौर पर इस्तेमाल होती थी। इंग्लिश लेक्चर इज एंडेड। नाउ नेक्स्ट साइड इज ऑफ इंग्लिश बी, स्टोरी यूनियन इज स्ट्रेंथ, इसकी डिस्क्रिप्शन आपको पहले दी जा चुकी है, आपने इसको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट, सोशल स्टडीज चैप्टर नंबर 22 के वर्ड्स में एंड शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, ये भी पहले की वीडियोस में आपको ब्रीफ किया जा चुका है, इसको भी आपने अच्छे से याद करना है। नाउ नेक्स्ट आईडी साइंस चैप्टर नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन 3 एंड 4, इसकी डिस्क्रिप्शन भी पहले दी जा चुकी है, इसको भी आपने अच्छे से याद कर लेना है। नाउ कम टू लास्ट आईडी ऑफ मैथ एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11, अब हम मैथ स्टार्ट करते हैं। ओके मैथ्स क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी, इसमें भी आपने सबसे पहले अब राउंड ब्रैकेट के अंदर जो उनसे वैल्यूज है उनको सॉल्व करना है। जैसे अब यहाँ पे है, इसमें अब पहले एक प्लस का साइन यूज हो रहा है, एक मल्टीप्लाई का साइन यूज हो रहा है, लेकिन रिवर्स रूल के मुताबिक पहले हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं। तो जब हम लोग 2.1 को 1.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.583 आ जाएगा। उसके बाद अब आपके पास राउंड ब्रैकेट के अंदर सिर्फ एक चीज रहती है, ये दोनों सिर्फ प्लस का साइन है, अब आपने इसको सॉल्व करना है तो आपके पास 4.033 आ जाएगा। अब आपके पास राउंड ब्रैकेट जो है वो सॉल्व हो चुकी है, अब कर्ली ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करेंगे। कर्ली ब्रैकेट में आप 12.099 डिवाइड का साइन ये वाला और इनको प्लस करके जो ये वाला आया था 4.033, अब आपने इनको डिवाइड करना है। डिवाइड हमने रफर में किया है, 4.033 वो हमने बाहर रखा है और जो 12.099 है वो हमने अंदर रखा है, तो 4.033 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी और रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाएगा। तो आपका जो आंसर आया है इनको डिवाइड करने से वो आपका 3 आया है। अब आपके पास कर्ली ब्रैकेट भी खत्म हो चुकी है, अब 1.25 को आपने 3 में प्लस कर देना है तो आपका आंसर जो है 4.25 आ जाएगा। अब जो बाकी क्वेश्चन नंबर 11 है उसका भी सेम यही कॉन्सेप्ट है, आपने पहले राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर कर्ली को, और एंड आखिर में स्क्वायर ब्रैकेट को। सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द लेक्चर्स। थैंक